हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर पंडा। आज टीवी स्टार सिटी गाड़ी करने और मिसफायर हो रहा है और गाड़ी चलने में धक धक हो रहा है और थोड़ा थोड़ा करंट आ रहा है। आज इस परेशान हम दूरी करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। देखो, अभी हमने सीट को ओपन कर लिया और टैंक को पेट्रोल पाइप निकल कर टैंक को भी ओपन कर लिया। देखो, ये जो पिकअप कॉइल का तार और मैग्नेट से आया जो तार सब ठीक ठाक लगा हुआ है, लेकिन कोई लूज कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं है। देखो, अभी हमने किक मारा लेकिन करंट नहीं आ रहा है। अभी हमने देखो, ये कफलर जो मैग्नेट के अंदर आती है वही कफलर है, उनमें दो तार है, ब्लैक रेड और रेड ब्लैक। वही तार से चार्जिंग कॉइल से करंट आएगा। तो कैसे आएगा, एक जैसे हीरो होंडा की तरह एक तार से करंट आए, लेकिन इस गाड़ी में दोनों तार लगाने से करंट आएगा। अभी हमने देखो, ये जो ब्लैक रेड में एक तार और एक ब्लैक रेड में एक तार को बॉडी में लगाएंगे और एक तार से हम करंट चेक करेंगे। देखो, अभी हमने एक तार लगाया, करंट आया लेकिन नहीं आ रहा है। देखो, फिर से हमने एक तार को बॉडी में लगाएंगे, फिर एक तार चेक करेंगे। देखो, अभी किक मारा लेकिन करंट कुछ नहीं आ रहा है। यही प्रॉब्लम है टीवीएस कंपनी का सभी गाड़ी में, जो मैग्नेट कॉइल जो मैकेनिक पता नहीं है वो थोड़ा दिक्कत होगा। अच्छा कॉइल को भी निकल कर नया कॉइल डाल देंगे, लेकिन अभी हमने मैग्नेट को निकालेंगे फिर चेक करेंगे। थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 17 mm स्पानर से और मैग्नेट फुल, जो एक्सेल टीवीएस गाड़ी का सभी फोस्ट्रो गाड़ी में हो जाती है, टीवीएस एक्सेल से लेकर सभी गाड़ी में उनका फुलर है। हमने मैग्नेट को निकाल दिया और देखो, अभी फुलर के साथ मैग्नेट भी, नया मैग्नेट था वो भी निकाल लिया। ये है मैग्नेट कॉइल, ये जो तार है लाइट कॉइल है और एक बैटरी चार्जिंग कॉइल और एक स्टार्टिंग कॉइल और एक पल्सर कॉइल जो बोलते हैं पिकअप कॉइल। अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जो मैग्नेट कॉइल का बोल्ट को निकाल देंगे। ये पल्सर कॉइल जो पिकअप कॉइल बोलते हैं उनको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि जब भी चेंज करना है एक ही बार चेंज कर देंगे तो कभी भी परेशानी नहीं होगा। देखो कितना ब्लैक हो गया है, एक ब्लैक रेड और ये ब्लैक रेड, दोनों ही एक अर्थिंग में काम आएगा, एक पॉजिटिव में आएगा। जब तक एक साइकिल कंप्लीट नहीं होता तब तक करंट नहीं आएगा। जैसे एक बल्ब जलती है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलने से बल्ब जलती है, उसी तरह ये चार्जिंग कॉइल पॉजिटिव नेगेटिव मिलने से ही करंट फंक्शन होती है। ये देखो चार वायर, ये जो बैटरी चार्जिंग का कॉइल है और ये 3-4 कॉइल लाइट का। अभी हमने पिकअप कॉइल को भी निकाल दिया। देखो, ये पिकअप कॉइल ओरिजिनल जो 138 रुपये और पार नंबर है उनमें मैंने वीडियो में दे दिया। अभी पिकअप कॉइल को हमने डाल देंगे, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं मिला, ओरिजिनल ब्रांड का मिल गया, निप्पॉन कंपनी का, जो मैं पार्ट नंबर दे दिया और स्टार्टर जो 620 रुपया लिखा हुआ है, इसमें लगभग 10% डिस्काउंट मिलकर 580 उसी तरह कुछ आ जाएगा। अभी हमने दो स्टार स्क्रू को मैग्नेट कॉइल की फिटिंग कर लेंगे, पूरी तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, स्क्रू ड्राइवर से पूरी तरह से ऐड कर लेंगे। देखो, अभी हमने पूरी तरह से स्टार्टर प्लेट स्क्रू को टाइट कर दिया और जो उनके लॉक के हिसाब हमने बॉडी में घुसा कर लगा लिए। न्यूट्रल तार की कनेक्टर है, अभी हमने पूरी तरह से न्यूट्रल तार की भी कनेक्शन दे दिया और अभी फिटिंग करेंगे पल्सर कॉइल को, जो पिकअप कॉइल बोलते हैं। ये पल्सर कॉइल जो
टीवीएस कंपनी का सभी गाड़ी में ये वाला कॉइल यूज हो, जैसे अपाची, टीवीएस स्टार सिटी, टीवीएस स्पोर्ट्स, टीवीएस स्टारर, सभी गाड़ी में ये पल्सर कॉइल फिटिंग होती है। अभी हमने पूरी तरह से पल्सर कॉइल को टाइट कर देंगे क्लॉकवाइज घुमा के, जो तार है 8mm का दो स्क्रू है उनको हम टाइट करें और उनकी बेस के हिसाब से हमने लगा लिया है। देखो पूरी तरह से एक बार टाइट कर देंगे, फिर हमने मैग्नेट को लगाएंगे। देखो ये टीवीएस कंपनी मैग्नेट पहली बार हमने खोलना शायद, क्योंकि नया तरह है, जैसे मिसुवा कंपनी का ओरिजिनल मैग्नेट है। अभी हमने लॉक ग्रुप लगाकर 17mm नॉट को पूरी तरह से टाइट कर देंगे और थोड़ा हमारी गंद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, जब भी निकालना है बिता पुलर से नहीं निकलेगा। अभी हमने पूरी तरह से मैग्नेट को टाइट कर देंगे, फिर चेक करेंगे कौन सा तार में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ना एक ही तार में करंट आ रहा है, वो तो कॉइल खराब था, मैंने पहचान लिया। देखो अभी एक तार में कनेक्शन दिया लेकिन करंट नहीं आया। फिर हमने देखेंगे एक रेड ब्लॉक और एक कोने में एक तार और एक कोने में एक तार लगाएंगे, देखो वो भी तार से भी नहीं आया। अभी हमने दोनों तार लगाया, देखो दोनों तार लगाकर एक तार बड़ी में चिपकाएंगे और एक तार हमने देखो आसानी से, जैसे हमने मैग्नेट को लगाया कैसे स्पार्क हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, करंट नहीं आ रहा था, अभी पूरी तरह से करंट आ गया है। देखो फिर से मैं थोड़ा डार्क करके चेक कर रहा हूँ, वो भी अभी करंट आ रहा है, पहले क्या हो रहा था नहीं आ रहा था। अभी हमने जो मैग्नेट कॉइल का कपलर में वो तार को हम लगा लेंगे और पल्सर कॉइल का भी तार भी जो रेड कलर का कपलर है वही भी उस तार में हम वो कपलर में फिर पिकअप कॉइल कपलर में हम डाल देंगे। देखो अभी हमने पिकअप कॉइल कपलर में डाल दिया है। अभी हमने करंट को चेक करेंगे कि करंट आ रहा है कि नहीं रहा है। उस साइड लगाने में दिक्कत हुआ लेकिन उस साइड घुमाकर लगाना पड़ा। अभी हमने देखो करंट चेक कर रहा है, पहले क्या आ रहा था, करंट नहीं आ रहा था, अभी करंट पूरी तरह से आ रहा है और कोई परेशानी वगैरह नहीं। पिस्टन कैसे भी फंक्शन हो रहा है, प्लग के अंदर दिखाई दे रहा है, थोड़ा मैंने डार्क करके देखा, देखो कितना करंट आ रहा है। अभी हमने प्लग को देखो, कौन सा मिस्त्री जो प्लग गैप को पूरी तरह से कमा लिया था, इसलिए वो इंजन के अंदर स्पार्क नहीं हो पा रहा था और स्टार्ट भी नहीं हो रहा था और मिसफायर हो रहा था। थोड़ा 0.06mm हाइट कर देंगे और क्लॉकवाइज घुमा के हेड में जो स्पार्क प्लग था उनको टाइट कर देंगे। देखो अभी हमने पूरी तरह से प्लग को टाइट कर लिया और प्लग कैप को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के टाइट करके प्लग में प्रेस कर देंगे। और अभी हमने टीवीएस गाड़ी का टैंक को लगाएंगे तो पेट्रोल छोड़ने से गाड़ी स्टार्ट होगा। अभी हमने बॉडी में टैंक को फिटिंग कर दिया और जो पेट्रोल पाइप वो पेट्रोल पाइप लगाएंगे। देखो पहले हमने पेट्रोल पाइप को ऑन किया, पेट्रोल को देखो कैसे धीरे आया, फिर प्रेस आ गया, उसी तरह जब आ गया उसी तरह कार्बोरेटर लगाएंगे, उसी तरह नहीं लगाएं तो यही हो जाए और गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत होगा। देखो अभी कैसे आराम और आसानी से स्टार्ट हो गया है, कोई परेशानी वगैरह नहीं है। तो फुल भी ले जा रहा है, न्यूट्रल लाइट फुल भी दिखाई दे रहा है। अभी हमने पूरी तरह से स्पार्किंग को दिया और स्टार्ट भी लग गया। देखो अभी हमने पूरी तरह से
रिल्स आ रहा है, कोई गंदा वगैरह नहीं खा रहा नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, रेस भी पकड़ रहा है। अभी हमने टैंक बोल्ट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पूरी तरह से टाइट कर देंगे और सीट को लगाएंगे। फिर लगाने के बाद वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। नमस्कार, जय।